सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर। मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो IIT देना चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, CBSE और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सारा जो क्वेश्चंस है वो PYQ क्वेश्चंस है। सारा जो क्वेश्चन है वो PYQ क्वेश्चन है। कहीं CBSE से उठाया हुआ है, कहीं IIT का एग्ज़ाम से उठाया हुआ मतलब JEE, या कहीं नीट का एग्ज़ाम से उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं से सारा मैंने ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और इस PDF या इस वीडियो में डाला है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो के अंत तक बने रहे और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चले, जो कि आपको आसानी होगी क्वेश्चन समझने में। और जो भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया तो प्लीज़ उसे कमेंट करें, फिर से मैं उसको समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को ना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है मूल कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला जो अपने पास जो क्वेश्चन है वो है, 27 ग्राम ऑफ अल्मोनियम रिएक्ट करता है कम्प्लीटली विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का? तो सबसे पहले कि क्या है, अल्मोनियम है मेरे पास, अल्मोनियम है, पूछ रहा कि कितना ग्राम ऑक्सीजन होता है। किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? Al2O3। उससे पहले इसको करेंगे हम लोग बैलेंस। क्या करेंगे? बैलेंस 4 3 2, 2 2 4 और 4 और 3 6 और 2 3, ठीक है, बैलेंस हो गया ये। तो सबसे पहले उसके बाद जो एटॉमिक वेट है अपने पास, एटॉमिक वेट है किसका? अल्मोनियम का। कितना दिया हुआ है? 27, मतलब होता है 27, ठीक है, 27 होता है। और यहाँ पर पूछा हमसे क्या, 27 ग्राम ऑफ Al रिएक्ट कर रहा है कम्प्लीटली, 27 ग्राम ऑफ Al यानी एटॉमिक वेट 27 निकला और 27 ग्राम भी रिएक्ट कर रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो फोर इसका क्या मीन्स 4 × 27 ग्राम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अल्मोनियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 × 32, इसका मोलर मास एक का होता, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। हाँ, 32 हो जाएगा। तो ये 32 लिया, 3 मोलर्स किसका लिया, कोफिशियंट इसका जो है, तो क्या आ जाएगा? 27 ग्राम ऑफ अल्मोनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो 3 × 32 / ये 4 × 27 ग्राम, और इसका कितना निकला था? 27 निकला था। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 32 कट जाएगा 8 बार में, 3 के टेबल में 27 कट जाएगा 9 बार में, 9 के टेबल में 27 कट जाएगा 3 बार में, 8 × 24 ग्राम। तो 24 ग्राम अपने पास आंसर निकल के आता है, तो पहला ऑप्शन अपना सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट इज़ बेस्ड ऑन, द मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? कार्बन 12 के ऊपर। किस पे बेस्ड है? कार्बन 12 के ऊपर। अगला जो अपने पास क्वेश्चन है देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर इज़, क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें? 18 ml ऑफ वाटर इज क्या होगा, क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं ध्यान देने की वजह से गलती होता है। कहाँ गलती होता है, मैं आपको अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा गलती कहाँ होता है। सबसे पहले अपने पास दिया क्या है, 18 ml H2O इक्वल टू 18 ग्राम H2O, ठीक है, 18 ml
दिया हुआ वाटर ये क्या होता है 18 ग्राम H2O की, इसका मॉलिक्यूलर मास H2O को जब निकालोगे 2 + 16 = 18 आता, 18 ग्राम आता मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ml में बात करें तो डेंसिटी बोल सकते हैं, वाटर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब cc, ठीक है। तो इसको 1 मोल बोल सकते हैं, 1 मोल, एक सेकेंड गलत लिख दिया, 1 मोल ऑफ H2O बोल सकते हैं। जब इसको 1 मोल ऑफ H2O बोल सकते हैं तो 1 मोल में 1 मोल ऑफ H2O बराबर है 10 × 6.02 × 10³³ इलेक्ट्रॉन। आप सोच रहे होगे सर कि ये 10 कहाँ से आया, तो मेरे पास क्या है H2O है, तो H का 2 इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक मास इसका 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 10 हो गया, वही 10 मैंने लिखा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे गलती कर देते, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 10 के जगह पे 18 ले लेते हैं, यहीं पे गलती हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, 6.02 × 10²² इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे गलती कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर ऑफ वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर ऑफ वाटर, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 18 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमसे क्या पूछ रहा है ना, 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑफ मोलिकुलर वेट इज 30 डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 250 ग्राम ऑफ वाटर, द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, क्या पूछा है मोलालिटी पूछा है, क्या पूछा है मोलालिटी पूछा है। मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अगर मेरी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देखें, आपको क्लियर होगा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, इन केजी में, इन केजी में, तो मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास अपने पास क्या है 3 ग्राम दिया हुआ, और किस में डिजॉल्व कर रहा है 30 ग्राम में, 30, उसके बाद क्या बोल रहा है मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, केजी में लेना, मगर हमको दिया किस में ग्राम में दिया है, तो 250 डिवाइडेड बाई केजी में कन्वर्ट करके 10 से कर देंगे, ये कैसे हो जाए 3/30 × ये ऊपर आ जाएगा 1000 और 250 काट दो भाई, काट दो, तीन तीन से कट गया, 2 और 5 2/5 मतलब ये कितना हो जाएगा, कर लो ना जल्दी से, 0.4 बार मतलब 0.4 मोलालिटी को छोटा एम से डिनोट करते हैं 0.4। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कैसे किए, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या किया है, द वेट ऑफ 1 × 10²² मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2O कितना होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे, सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे, मॉलिकुलर वेट निकाल के ख़त्म कर लेंगे, मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका, इसका कैलकुलेट करने पे आपको 249 ग्राम मिलेगा, 249 ग्राम मिलेगा, कितना मिलेगा 249 ग्राम मिलेगा। तो यहाँ पे वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है ऑफ 1 × 10²² मॉलिक्यूल्स का ऑफ CuSO4.5H2O, ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, तो इससे इसको इंटू हो जाएगा 249 × 1 × 10²² हमसे पूछा क्या है, द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ इतना इज कितना होगा डिवाइडेड बाय 6.02 × 10²³, इसको अगर सॉल्व करोगे तो लगभग 4.14 ग्राम आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये अपने पास कहाँ से निकल के आया, एवोगैड्रो नंबर कहाँ से निकल के आया, तो 1 मोल क्या होता है,
वन मोल कितना होता है, 6.02 इंटू 2 3 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स होता है। ये किसका बराबर है, मॉलिकुलर वेट ऑफ इन ग्राम, मॉलिकुलर वेट इन ग्राम इसके बराबर है। तो वेट ऑफ इतना वेट ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स CuSO4 के बराबर होगा, CuSO4 के बराबर होगा, इसलिए इतना मॉलिक्यूल जो है इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको हमेशा किससे डिवाइड करना है, इसका एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ कंपाउंड वॉज फॉर्म टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 28 ग्राम एंड 80 ग्राम रिस्पेक्टिवली, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज क्या, क्या होगा फार्मूला इस कंपाउंड का, कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है भाई। सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे, कंपाउंड दिया हुआ कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या कंटेन कर रहा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन रेशियो 28 एंड 80 ग्राम का रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक। सबसे पहले इसका मोल्स निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, एटम्स की बात करें, एटम की जब बात करते हैं तो सिंगल लेते हैं, तो मास क्या है इसका, 28 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और नाइट्रोजन का कितना, 14 होता है, 14 दूनी 28, 2 आ गया। फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा बाबू लोग, तो कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ, 16 का टेबल में 80 पाँच बार में आता है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है फार्मूला क्या हो जाएगा, N2O5। कहाँ पे है भाई N2O5, सी नंबर इज़ द राइट आंसर, सी नंबर इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसमें से आंसर कौन सा ही होगा, क्या पूछा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है। तो हम इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ H2O कितना कंटेन करता है, 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कंटेन करता, ठीक है। तो 36 ग्राम कितना कंटेन करेगा, 36 ग्राम ऑफ H2O 2 × 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। तो 2 कहाँ से आया, क्योंकि 18 का ये दुगना हो जाएगा, तो 18 का जब दुगना हो जाएगा इसलिए मैंने 2 ले लिया, जब 2 ले लिया तो कितना आ जाएगा, 12.4 जब इसको इंटू करें 10^23, ठीक। अगला का बात करेंगे, बी नंबर की, ए नंबर का बात कर ली, बी नंबर का क्या है, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 28 ग्राम ऑफ CO कितना है, 6.2 × 10^23, ठीक है, इतना है। फिर अगला क्या है, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन करेगा C2H5OH होता है इसका फॉर्मूला, कंटेन करता है 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, M लिख रहे तो मॉलिक्यूल समझ जाना, ठीक है। डी नंबर क्या बोल रहा है कि 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड 108 ग्राम ऑफ N2O5 कंटेंट करा 0.10। आपको एकदम स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 54 में कितना करेगा, 54 का आधा होता है ये, 54 का आधा होता है ना,
N2O5 तो हाफ ले लेंगे किसका, 6.02। हाफ कितना आ जाएगा, 3 के लमसम में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 36 ग्राम है। सबसे ज़्यादा कौन है, 36 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ हाईएस्ट मॉलिक्यूल्स। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है, 36 ग्राम में। तो सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है, क्योंकि जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, जब इसका मॉलिक्यूलर, जैसे इसी का मैं इसी का एग्जांपल, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर इसका आप दुगना कर दिए, तो दुगना इसलिए किए 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 बाबू, क्योंकि H2O का होता है 18 मगर दिया हुआ है 36, मगर इसमें जो 46 दिया हुआ है वो उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ जो करेक्ट है, जो कि करेक्ट है, इसलिए इसको सिर्फ इतना मॉलिक्यूल्स लिए। जैसे इसका निकालोगे तो 12 × 2 + 6, 6 को हाइड्रोजन है प्लस 16, तो ये 46 आएगा आपको निकल के। यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको। अगला है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं आप, तो सीधा सीधे आप आंसर दे सकते हो, CO2 पूछ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन पूछा CO2, तो C का होता है 6 + 8 × 2, तो 6 × 8 = 16, तो 16 × 6 = 22, आंसर सीधा सीधे 22 लगा दो, ख़त्म, इतना ही इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अ गैस मिक्सचर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज द रेशियो ऑफ 1:4 द वेट, देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो दिया हुआ 1:4 दिया हुआ बाय वेट, देयरफॉर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, तो यहाँ हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या मान लिए, लेट मास ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम है, यहाँ से 1 उठा लिए, ठीक है। फिर नाइट्रोजन उठा लिए, मास ऑफ नाइट्रोजन इज 4 ग्राम, ठीक। मॉलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, N2 का हो जाएगा 28, कितना होगा 28 ग्राम। वही O2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। पूछ क्या रहा है, देयरफॉर द रेशियो पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स का क्या रेशियो होगा, रेशियो तो पता नहीं इसलिए लेट मान लिए, ठीक है। तो 28 ग्राम ऑफ N2 कितना है, 6.02 × 10³³ मॉलिक्यूल्स है, किसका नाइट्रोजन का, किसका नाइट्रोजन का, तो 4 ग्राम। सेम उसी प्रकार N2 का कितना होगा, 6.02 × 10³² / 28 × 4, ठीक है। तो लगभग ये आपको 4 से कट जाएगा, 20, 5, 4, 7 बार में, तो 6.02 × 10³, मैं भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, मॉलिक्यूल्स आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन आएगा, ठीक। फिर 32 ग्राम का पूछा है, तो 32 ग्राम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 6.02 × 10³², ठीक है। फिर 32 ग्राम में कितना निकला था मेरे पास, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा ऑफ O2, 6.02 × 10³² × 1/32, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 हट जाएगा और सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6.02 × 10³², 32 मॉलिक्यूल, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। जब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 6.02, सबसे पहले किसका पूछा है, ऑक्सीजन है, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन और रखना, नीचे वाला रखना है, 6.02
ज़ीरो टू इंटू 10^23 डिवाइडेड बाई 32, फिर डिवाइड है 6.02 इंटू 10^23 7। तो ये लगभग ये कट गया, तब आपके पास क्या आ जाएगा 7:32। तो 7:32 कहीं होगा आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग हीटेड स्ट्रांगली हीटेड यील्ड इज रेसिड्यू बाय बीइंग, ठीक है, 2.6 ग्राम है सिल्वर कार्बोनेट का, उसको जब हीट करते हैं तो यील्ड देता है रेसिड्यू बाय बीइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसका रिएक्शन लिख लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे। क्या अपने पास सिल्वर कार्बोनेट है, जब इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं तो Ag2O बनता है प्लस CO2, जब स्ट्रांगली हीट करेंगे। फिर जब Ag2 को फिर हीट करते हैं तो Ag प्लस हाफ O2 बनता है, जो कि यही है रेसिड्यू। क्या है, रेसिड्यू है, क्या ये रेसिड्यू है। ये कितना दिया हुआ है, 2.76 ग्राम दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ जानिए, इसमें एक चीज़ बढ़िया चीज़ है जानने की, जो अपने पास ये है, जो Ag2O है, ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, क्या होता है, थर्मली अनस्टेबल होता है, थर्मली अनस्टेबल होता है और डिकम्पोज करता है। जब डिकम्पोज करेगा तो ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, क्या, जब डिकम्पोज करेगा तो ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, मोल एटॉमिक ऑफ Ag2CO3 आ जाएगा, इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 108 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 गुना 3, ये लगभग आपको आ जाएगा 276 ग्राम आ जाएगा लमसम ये, ठीक है, 276। तो 276 ग्राम, 276 ग्राम ऑफ Ag2CO3 जब हीट करते हैं ऑन हीटिंग, तो क्या देता है हमको, रेसिड्यू देता है, क्या देता है आप, क्या देता है, रेसिड्यू देता है, रेसिड्यू देता है, मतलब 2 × 108 क्या दिया आपको, 216 ग्राम ऑफ Ag। सर सर सर, ये जो 2 ग्राम है ये कहाँ से आया, मैं 2 कहाँ से आ गया, ठीक है सर, ये 2 कहाँ से आ गया, तो सर ये यहाँ से आया, जब आप इसको बैलेंस करोगे तो 2 Ag प्लस हाफ O2 आएगा, क्या आएगा, जब इसको बैलेंस करोगे तो ये आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए आपके पास 2, यहाँ 2 Ag है, यहाँ पे 1 ही था, यहाँ हाफ लगा दिए, मतलब 2 × 2 कट के 1 आ जाता है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो क्लियर है। तो ये 2 यहाँ से आया, जब रेसिड्यू देता है तो 2 × 108 मतलब 216 ग्राम ऑफ Ag मिलता है। तो पूछ कितना रहा है हमसे, 2.76 ग्राम में पूछ रहा है, कितना पूछा है, कितना पूछा, 276 ग्राम में पूछ रहा है, ठीक है। तो 216 276 गुना 2.76, 216 गुना ये, तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, मुझे सॉल्व करेगा 2.16 ग्राम ऑफ Ag आ जाएगा। हमसे यही तो पूछा था कि जो स्ट्रांगली हीट यील्ड रेसिड्यू वेइंग कितना होगा, तो इतना हो जाएगा भाई। ऑप्शंस कौन है मेरे पास, ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 मिक्स विद द 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द Ba3PO4 होल 2 दैट कैन बी फॉर्म्ड इज, क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए मैंने जब मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि ये लिमिटिंग
रिएजेंट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट में हम क्या करते हैं कि बैलेंस करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, फिर एल आर खोजते हैं। क्या खोजते हैं, एल आर खोजते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। उसके बाद हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कौन कितना फाउंड होगा। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन देखिए क्या है, BaCl2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Na3PO4 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है Ba3PO4 होल 2 प्लस NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है। जब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 व्हाइट ले लेता हूँ, 2 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अपने पास सबका दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स सबका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका, 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसका 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर Ba4 का कितना दिया हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 दैट कैन बी फॉर्म्ड, पी बस दो ही चीज़ का दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 मोल है, क्या 3 मोल ऑफ BaCl2 जब रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ Na3PO4 तो बना रहा है 1 मोल ऑफ Ba3PO4 होल 2। तो हम मैंने क्या बताया था, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तब को क्या निकल के आ जाएगा, एल आर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एल आर होगा अपने पास वो होगा Na3PO4, क्यों, क्योंकि ये 0.2 मोल, और जो BaCl2 है वो एक्सेस में है, वो एक्सेस में मतलब बहुत ज़्यादा है। तो जो अबव इक्वेशन के हिसाब से हम काम क्या करेंगे, जो 2 मोल है, 2 मोल ऑफ Na3PO4, 2 मोल ऑफ Na3PO4 यील्ड बना रहा है Ba3PO4 होल 2 इक्वल टू 1 मोल, यही ना 1 मोल दिया हुआ है अपने पास। इसको लेके चलेंगे, जो एक्सेस उसको नहीं लेते, जो कम है उसको लेते हैं, जो एक्सेस में उसको नहीं लेते हैं, जो कम है उसको लेते हैं। ठीक है, तो 0.2 मोल Na3PO4 क्या बनाएगा, यील्ड बनाएगा। बहुत इजी है, ध्यान से देखते जाओ, काम आपका होते जाएगा। तो 1/2 × 0.2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 ख़त्म, 0.1 मोल निकल के आ जाएगा, ख़त्म। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 0.1 होगा ये। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O इज़, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कार्बन में CH2O। तो ये भी मूल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, इजी है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना, इसको ध्यान में रखना, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन कंपाउंड इज ज़ीरो। इसको ध्यान में रखना ना, क्या बोलता है ना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम ऑफ कंपाउंड इज ज़ीरो, क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना है किसका, CH2O का कैलकुलेशन करना है। तो CH2, तो हम सबसे सी किसका पूछा, कार्बन का पूछा, तो का जो का पूछ रहा है उसको एक्स मानते हैं, क्या मानते हैं,
टू प्लस माइनस टू, ऑक्सीजन का माइनस टू इक्वल टू क्या बोले, ज़ीरो होता है। तो एक्स प्लस टू प्लस माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, टू टू ख़त्म तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। मतलब कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़ीरो होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर इज़ द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास पूछ रहा था, द मोलर सॉल्यूशन ऑफ इज दैट वन कंटेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन तो मोलर का मतलब होता है मोलालिटी से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे बाबू, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने बता के रखा है, क्या लिख रहा हूँ मैं भी बता के रखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, इन केजी। तो इसका मतलब क्या होता है ना, देयरफोर वन एम इक्वल टू वन मोल डिवाइडेड बाय केजी। तो वन एम इक्वल टू वन मोल डिवाइडेड बाय केजी, मतलब कि जो राइट आंसर अपने पास होगा वो 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि 1 केजी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सर ये कहाँ से आया? इसका भी एक पॉइंट आप लर्न कर लो, अ मोलल सॉल्यूशन इज वन विच कंटेन, क्या विच कंटेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब ये बात आएगा तो वन मोलरिटी आ जाएगा, वन मोल डिवाइडेड बाय वन के जी, वन के जी अपने पास जो आंसर है वो कितना है, 1000 ग्राम। अगला क्वेश्चन, अ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड Fe2H2O5NO4, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम ऑफ द न्यूट्रल कंपाउंड इज ज़ीरो, जो न्यूट्रल कंपाउंड भी होता है उसका क्या होता है, ज़ीरो होता है, उसका भी ज़ीरो होता है। इसको भी याद रखना है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम किसको मानेंगे, आयरन को एक्स मान लेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, सॉरी कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, टू माइनस लगा लो, ठीक है। तो अपने पास क्या है, लिख लो भाई, जो है अपने पास जो है उसको लिख लो, तो टू माइनस लगा लो तो ये टू प्लस है। तो Fe को मान लो x प्लस फाइव इंटू ज़ीरो, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, प्लस NO ज़ीरो, NO क्या आ जाएगा, ज़ीरो, इक्वल टू सराउंडिंग एटम क्या है, प्लस टू। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा, सीधा सीधे प्लस टू। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe का क्या हो गया, प्लस टू। इसका ट्रिक भी है, इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, किस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा कोई भी कंपाउंड का, आप ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स आयन हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, जो भी हो, उसका आप इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोशिश करूंगा इसके बाद वाला जो वीडियो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो, ठीक है, कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं दे रहा। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। रात हो गया बाबू, बहुत नींद भी आ रही है, मगर पूरा वीडियो बनाए सोऊंगा नहीं।
तो बाबू देखो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेव पूछा है 1 किलोग्राम मतलब 1 kg में कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, क्या 1 इलेक्ट्रॉन कितने बराबर कितने kg का होता है। 9.108 × 10⁻³⁻¹ kg होता है 1 इलेक्ट्रॉन का वेट, ठीक है। तो 1 मोल का क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 6.023 × 10³⁷ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। तो पूछ रहा हमसे क्या, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो क्या होता है ना, इक्वल टू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो मास कितना है अपने पास, ये है, और एन ए कितना है, ये है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg, 1 kg में जब निकालेंगे, जब 1 kg में निकालेंगे, इन 1 kg में जब निकालेंगे तो 1 से इसको डिवाइड दे देंगे, क्या करेंगे, 9.108 × 10⁻³⁻¹ 6.02 × 3 × 10⁻³⁻¹ 23। तो अपने पास आ जाएगा 9.108 × 10⁻³⁻¹ 6.023 × 10⁻³⁻¹ जो माइनस में होगा, जो माइनस में अपने पास आएगा 31 में से 23 चल गया, 8 बचा, तो ये ऊपर आके 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन कुछ ऐसा है क्या, ये ऑप्शन सही है, राइट आंसर। इजी था, समझ गए होगे। अगला, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे ज़्यादा एटम किस में है, सबसे ज़्यादा एटम किस में है। तो सबसे पहले आप निकाल लो ना, इसका एटॉमिक वेट निकाल लो, क्या निकाल लो, एटॉमिक वेट निकाल लो, 6.02 × 10³⁷ एटम कितना में होता है, 1 मोल ऑफ एटम में होता है, किसके बराबर है एटॉमिक वेट, इसके इसके बराबर है, ठीक है। सबसे पहले किसका पूछा है अपने पास, 24 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो नंबर ऑफ एटम क्या है अपने पास, 24 12 मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.02 × 10³⁷। तो अपने पास निकल के आ जाएगा लगभग 2 मोल एटम, मतलब ये आएगा 2 × 12 से 24 कट गया, 2 6.02 × 3 × 10³⁷ एटम। तो ये जो एटम आ रहा है, जो बीच का पार्ट आ रहा है, ये तो 2 मोल है, मोल एटम। एक एक करके हम लोग सबका निकाल लेते हैं, नंबर दूसरा का निकालो, नंबर किसका है, एफ ई है, नंबर ऑफ एटम 56 ग्राम ऑफ एफ ई, तो 56/56 होता है इसका 6.02 × 10³⁷। फटाफट एकदम कर लो काम, एटम तो 1 मोल आ जाएगा, ये एटम आ जाएगा, 1 मोल एटम आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कर लो तीसरा का, क्या है तीसरा में, 27, तो 27/27 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसका भी 1 मोल आ जाएगा, इसका भी 1 मोल आ जाएगा एटम। चौथा में क्या है भाई, 108 ग्राम ऑफ एजी, तो 108 का 108 ही हो जाएगा, तो ये लगभग कट के 1 आ गया, तो इसको बोल लो एटम, तो 1 मोल एटम इसका भी आ गया। तो कार्बन का सबसे मैक्सिमम है, ए आंसर इज़ द राइट आंसर, ये क्या है राइट आंसर अपने पास। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, इन कंपाउंड सी एच एन एम्पेरिकल फार्मूला निकालना, एटम आर प्रेजेंट इन 9:1
1:3 का रेशियो में 3.5 बाय वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज़ 108, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। परसेंटेज क्या क्या दिया हुआ है, 9.1, 3.5, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं इसका, तो 9 डिवाइड इसका 12 से, मतलब कार्बन का 6 होता 12, तो 9 बाई 12, 1 बाई A1 और 3.5 बाई 14, तो लगभग ये आपके आ जाएगा 3 बाई 4, 1 और ये 1 बाई 4 के लमसम में आ जाएगा। तो सिंपल रेशियो आ जाएगा SR 3, क्योंकि इसको 4 से इंटू करेंगे, इसको 4 से, इसको 4 से कट जाएगा, तो 3, 4, 1 क्या गया अपने पास, 3, 4, 1 मतलब इम्पेरिकल फॉर्मूला। EF कितना आ जाएगा, CH3 H4 और N1 हो जाएगा, ठीक है। तो C3H4 N है 108 दिया हुआ है अपने पास 108 दिया हुआ है, ठीक है, 108 दिया हुआ है। जब इसका सॉल्व करोगे लमसम में ये 54 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना 108 है, N=108/54 कट जाएगा, ये लगभग दो बार में 108 आ जाता है। तो 2 से जो EF MF हो जाएगा, MF हो जाएगा, 2 से N2 हो जाएगा, तो C6H8N2 ये जो है ये 2 से N2 हो जाएगा, ये जब 2 से N2 होगा तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लास्ट में N2 है एट, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दिस चेंज, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या चेंज होता है, मोलालिटी, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी चेंज होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए जब जब वॉल्यूम बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स इन 558 ग्राम ऑफ Fe, एटॉमिक वेट इतना दिया हुआ है, मोल पर मोल, ठीक है। तो सबसे पहले Fe का निकाल लेते हैं एटॉमिक वेट, Fe का एटॉमिक वेट निकालते हैं, 558.5 ग्राम दिया हुआ है, इसका एटॉमिक वेट दिया 5585, लगभग ये 10 मोल आ जाएगा, काटोगे काट के ऊपर नीचे कट के 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का क्वेश्चन देख के हम आंसर बताएंगे, कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, 60 ग्राम में ना, 60 ग्राम, तो 60/12 कार्बन का 12×5=60, मतलब कि 5 मोल, तो 5 मोल इसका क्या है, ट्वाइस है, 5 मोल इसका क्या है, ट्वाइस है, तो जो पहला नंबर है वो आंसर मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ यू कंसिडर डैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग कंसिडर किए 1/6, जो 1/6 है इन प्लेस 1/12, 12 की जगह पे 1/6 ले लिए, 1/12 सी कार्बन टू नहीं, एक मैं बताऊँगा अभी। मास ऑफ द कार्बन एटम इज टेकन टू बी रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस विल बी, क्या होगा मास ऑफ द वन मोल ऑफ सब्सटेंस, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए आर ए एम रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो मैंने बता के रखा है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 पार्ट ऑफ द
मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम। C12 इसका मतलब C12 का 12वां हिस्सा का मास को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ द C12 इंटू 12, ये भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं उसको उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, 12 ऊपर चला गया, ठीक है ना। बोल रहा है कि हम लोग यूज़ करेंगे वन बाई सिक्स इन प्लेस ऑफ 1/12 जो फार्मूला है। फार्मूला क्या होगा देख लेते हैं, फार्मूला क्या होगा तो रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, देखते क्या होता है फार्मूला में, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इंटू 6। 6 यूज़ कर लिए तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। कितना डिक्रीज़ करेगा, ट्वाइस डिक्रीज़ करेगा। यहाँ 12 था तो डिक्रीज़ करके 6 हो गया, तो ट्वाइस डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग चेन इंक्रीज डिक्रीज ट्वाइस, डी आंसर सही है। अगला देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल 2 विल बी कंटेन इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखो बहुत इजी है समझना, 1 मोल ऑफ Mg3PO4 होल 2 कितना कंटेन कर रहा, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 8 मोल ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, 8 होता है ना, एटम की बात कर रहे हैं 8। तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना कंटेन करेगा, 1 मोल ऑफ Mg3PO4 होल 2 मोल, इतना कंटेन करेगा। दिया कितना अपने पास, 22.5, तो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन करेगा 1/8 इंटू 0.25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लगभग इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो हटाओ, ठीक है, तो 25,800 कितना आया, 25,800, तो ये लगभग आ जाएगा 0.03125, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.125 इंटू 10^-2 मोल। तो आंसर अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, ये डी आंसर सही है। अगली क्वेश्चन क्या है, अ गैसेज हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबर्शन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 0.8 ग्राम CO2, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या पूछा, हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर पूछता 18 ग्राम H2O कंटेन 2 ग्राम H, हाइड्रोकार्बन कितना है इसमें, 2 ही ग्राम है ना, बाकी तो 16 ग्राम तो ऑक्सीजन है। तो 0.72 ग्राम H2O कंटेन
2/18 × 0.72, लगभग ये आ जाएगा 72008 ग्राम हाइड्रोजन सिर्फ H का निकला। ये किसका निकला? H की बात की है। किसकी बात की? H की बात की है। अगर पूरा का बात करते तो 0.72 निकलता, पूरा का बात करते तो 0.72 निकलता। फिर क्या बात कर रहा है कि CO2 का बात कर रहा है, तो जब CO2 का बात करेगा तो 44 ग्राम निकलेगा। किसका? CO2 का जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंटेन 12 ग्राम सी कार्बन का, फिर बात किया किसकी बात किया? कार्बन का 3.08 ग्राम ऑफ CO2, कार्बन का बात किया तो 3.08 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन कितना कंटेन कर रहा है? 12/44 × 3.08 लगभग 0.84 ग्राम कार्बन आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का निकल गया, कार्बन और हाइड्रोजन इसी का तो पूछा हमसे, दोनों को निकल गया। तो कार्बन का कितना निकला? 0.84 और H का ये देखना, ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, बस इसको ऊपर इसको नीचे मत कर देना। तो H2 कितना आ जाएगा? ये काटोगे तो 0.08/1 कार्बन का, इसका आया कार्बन का 12 और इसका H का 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, इसको और इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.07 × 0.08 आएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर डेसिमल हटेगा तो 7:8 आ जाएगा। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? C7H8, हाँ डी नंबर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो, कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, बार बार मैं बोलता हूँ कमेंट करें, आप कहीं दिक्कत हो कमेंट करके बताएं। और अगर आप अभी तक यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूले, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आज हमने काफ़ी सारा क्वेश्चंस किया मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो बताना। ठीक है, ये थोड़ा हाइयर लेवल का क्वेश्चन था, कोशिश करूँगा अब कि ये हो गया, अब मैं CBSE का जो क्वेश्चन है PYQ उसको मैं करवा दूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।